हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं केयर कैमरा के ALR मॉडल इंटेलिजेंट कैमरा का। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था केयर कैम के HVG मॉडल वाईफाई कैमरा का, तो अभी हम रिव्यू करेंगे ALR का। इसमें काफ़ी सारी खासियत है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके फीचर्स जो कि HVG कैमरा से इसको काफ़ी बेहतर बना देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मेंशन है कि क्लाउड स्टोरेज, एक इसमें क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन है, जो हम SD कार्ड में रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी मेमोरी कार्ड में, इसको हम क्लाउड पे भी ले जा सकते हैं। इसके बाद इसकी ऑप्शन आती है ऑन विफ। ऑन विफ का मतलब है दोस्तों, इसको हम एक IP NVR कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं, NVR के साथ इसको लगा सकते हैं। इसके बाद नेटवर्क FHD फुल HD कैमरा है, ये 2 मेगापिक्सल का 2MP कैमरा है, 2-way इंटरकॉम जो कि सभी वाईफाई कैमराज में आता है, और वाईफाई, और साथ में इसकी जो इसे खास बनाता है, स्मार्ट कैमरा बनाता है, वो है इसकी लास्ट ऑप्शन ह्यूमनॉइड ट्रैकिंग मोशन डिटेक्शन। दोस्तों, इसमें खासियत ये है कि जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी मूव करती है तो ये कैमरा भी उसके साथ साथ वैसे ही मूव करता है। तो आइए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं केयर कैम वाईफाई ALR कैमरा की। दोस्तों, हमने अनबॉक्सिंग कर ली है इस कैमरा की, ALR वाईफाई इंटेलिजेंट कैमरा। ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, और हम बात करते हैं इसमें दी गई वायर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं लैन पोर्ट वाली वायर की। ये वायर है दोस्तों इस कैमरा को एज ए IP कैमरा यूज़ करने के लिए। आप किसी भी NVR के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो एज ए IP कैमरा, और साथ में DC जैक दिया हुआ है 2 एम्पीयर का। आप इसमें अडप्टर लगा सकते हो इसको ऑन करने के लिए, इसको DC करंट देने के लिए। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक छोटी सी वायर है जिसमें एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, इसके ज़रिए आप इस कैमरा को किसी भी NVR पे लगा सकते हो। ये HD CVI, CVI, AHD और HD सभी स्ट्रीम्स को सपोर्ट करता है। तो अब दोस्तों, जो इसकी विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये इसकी LED लाइट्स, ये जो 4 येलो कलर की स्पॉट लाइट्स हैं, इसका प्रोसेस ये है कि जब भी कोई इनके सामने ह्यूमन डिटेक्शन होता है, मोशन डिटेक्शन होता है, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। और दोस्तों, इसका नाइट विज़न इतना अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट होने के बाद ये बिल्कुल कलर व्यू में चेंज हो जाता है। और दोस्तों, ये 360 डिग्री मूविंग कैमरा है। इसकी एक खासियत और है, अगर ह्यूमन बॉडी का मोशन जो होता है इसके हम ऐप से ऑन कर देते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी के साथ साथ मूव करता है। तो दोस्तों, आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर से स्टार्ट करते हैं अभी इसकी इंस्टॉलेशन। फ्रेंड्स, अभी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, DC वोल्ट का 2 एम्पीयर का अडैप्टर लगा दिया है, और हमारा कैमरा इंस्टॉल हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी। तो सबसे पहले लास्ट रो में देखिए, केयर कैम प्रो हमारा ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद सबसे ऊपर ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, प्लस की निशानी पे। इसके बाद ऐड डिवाइस, तो अभी सबसे फर्स्ट ऑप्शन है AP कनेक्शन। तो दोस्तों, इसके बाद हम कैमरा को रीसेट कर देंगे, और रीसेट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, उसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो कैमरा रीसेट हो जाएगा। और साथ में मेमोरी कार्ड का स्लॉट है मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने के लिए, और साथ में मिल जाता है हमें इसको कवर करने के लिए एक प्लास्टिक का छोटा सा ग्रिप, जिससे ये पोर्ट कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर टिक लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर सेटअप वाईफाई कैमरा करेंगे। यहाँ पर हमारी केयर कैम की ID इनिशियलाइज हो चुकी है, और अगर नहीं हुई तो आप वाईफाई को एक बार ऑफ करके ऑन करें तो आपकी केयर कैम की ID इनिशियलाइज हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे क्लिक करके ID को हम कनेक्ट कराएंगे। अभी कनेक्टिंग आ रहा है, अभी 1 से 2 सेकंड में ये कनेक्ट हो जाएगी अपने केयर कैम की कैमरा के साथ। तो अभी देखिए, ID कनेक्ट हो चुकी है दोस्तों, कीप वाईफाई कनेक्शन। अब इसको बैक करेंगे, ऐप में जाएंगे। ऐप में जाने के बाद देखिए, हमारा कैमरा बिल्कुल ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा फुल HD 2MP कैमरा है केयर कैम का, ALR कैमरा, इंटेलिजेंट वाईफाई कैमरा ह्यूमन डिटेक्शन के साथ। अभी इसमें बहुत सी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये 360 डिग्री रोटेट होता है, इस कैमरे को आप 360 डिग्री मूव कर सकते हो, और ह्यूमन बॉडी के साथ ये अपने आप ट्रैवल भी करता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग में आपको कौन से सेंसर ऑन करने हैं। तो सबसे पहले सबसे नीचे ऑप्शन है डेट एंड टाइम की। डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोलकाता GMT 5:30 होना चाहिए, फिर इसको सेव कर दीजिए। और इसके बाद ऑप्शन आती है माइक्रो SD कार्ड की, यहाँ पे आपको फॉर्मेट करना होगा SD कार्ड डालने के बाद, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो सके। और इसमें दोस्तों, इसके बाद ह्यूमन सेंसर की ऑप्शन आती है, इसमें अलर्ट सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे, और इसमें ऑप्शन आएगी हमें मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन और फेस डिटेक्शन की। अभी हम इनको ऑन करेंगे, पहले मैं आपको ऐसे ही चला के दिखा देता हूँ कैमरा।
ये देखिए ये कैमरा हमारा नॉर्मल चल रहा है अभी अभी हम इसका फेस रिकग्निशन ऑन करेंगे। नाइट विज़न में भी ये बिल्कुल कलर चलता है दोस्तों, अगर इसमें कोई ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट होती है तो। देखिए पहले मैं आपको इसका नाइट विज़न दिखाता हूँ कि कितना अच्छा इसका नाइट विज़न है दूसरे कैमरास के मुकाबले में। ये देखिए ये 2MP नाइट विज़न कैमरा है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी लाइट नहीं चल रही, ये सिर्फ कैमरा की लाइटिंग है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी अलर्ट सेटिंग खोली है हमने, हम यहाँ पे मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन और फेस डिटेक्शन इसको ऑन करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे टर्न ऑन करना है हमें ह्यूमन बॉडी ट्रैकिंग को, इससे ही ये ह्यूमन बॉडी के साथ ट्रैवल करेगा। इसके बाद ऊपर सेव की ऑप्शन है, आप इसको सेव कर दीजिए। तो अब देखिए दोस्तों जब भी आप कैमरा को मूव करोगे तो ये ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा, अभी नाइट विज़न में चल रहा है ये कैमरा। अभी मैं मूव करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने मूव किया और ये ऑटोमेटिक कैमरा कलर हो चुका है। देखिए इसकी जो येलो लाइट्स होती हैं, स्पॉट लाइट्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं, वो रात को भी ऑन होके कलर हो जाती हैं जब भी हम इसको मूव करते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ह्यूमन डिटेक्शन के साथ ये कैसे काम करता है। इसकी नाइट विज़न की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, अभी बिल्कुल ही अंधेरा है कमरे में और ये फिर भी कलर दिखा रहा है। अभी मैं दोबारा से इसको सेव करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि ह्यूमन बॉडी के साथ ये कैसे काम करता है। ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक कलर हो जाता है। इसकी जो स्पॉट्स लाइट हैं 4, वो काफ़ी कारगर साबित होती हैं रात को कलर करने में। तो अभी देखिए मैंने सेव कर दी है सेटिंग्स ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन की। तो अभी देखिए जब भी इसके सामने कोई ह्यूमन बॉडी जाएगी, ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करेगा तो ये बिल्कुल कलर हो जाएगा नाइट विज़न से। और अगर आप इसको मूव करते हो 360 के लिए तो भी ये कलर हो जाता है। इसकी लाइट्स जो हैं स्पॉट लाइट्स, वो 2 से 3 मिनट के लिए ऑन हो जाती हैं। और अगर आपका कैमरा ऑनलाइन है तो आपको मोबाइल पे मैसेज भी आता है। तो अभी देखिए कैमरा अभी बिल्कुल मैंने लाइट्स बंद कर दी हैं, पहले भी बंद थी लाइट्स। और अभी हम देखेंगे कि कैसे ये नाइट विज़न होने के बाद ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट करेगा, और ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक कलर में चेंज हो जाएगा। अभी देखिए ये बिल्कुल लाइट्स बंद हो चुकी हैं कैमरास की, अभी नाइट विज़न में है। अभी जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट करेगा, इसके सामने कोई भी ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट होगी या कोई मोशन डिटेक्शन होगी, तो ये ऑटोमेटिक कलर कैमरा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए जैसे ही ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट की, ये कलर कैमरा में ऑन हो चुका है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा इसका फीचर दिया है कंपनी ने, बहुत ही अच्छा कैमरा है और इसकी क्वालिटी 2 MP Full HD क्वालिटी है। आप देख सकते हैं जैसे ही ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट हुई, कोई मोशन डिटेक्ट हुआ, तभी जल्दी से ये कलर में चेंज हो गया। तो दोस्तों इसको ऑफ़ करने के लिए आप इसको लाइट्स को ऑफ़ करें, हम मोशन डिटेक्शन ह्यूमन डिटेक्शन को ऑफ़ करके सेव कर सकते हैं। तो अभी ये कैमरा बिल्कुल आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा कैमरा है नाइट विज़न में भी कलर दिखाने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। Subscribe our channel and thank you very much for watching this video.